कई बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि यार एसएससी जीडी तो मैं तो अब हो ही जाएगा, है ना। एक तैयारी के दौरान ना एक समय ऐसा आता है जब हर एक बच्चे को पता है क्या लगता है कि यार कुछ तो निकाल ही दूंगा। मतलब बंदा तैयारी शुरू करता है एसएससी सीजीएल के लिए, कई बार तो उसको सपने में ये भी आता है कि मैं यूपीएससी के लिए ही बना हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। फिर वो उठता है तो लगता है अरे नहीं नहीं ये तो सपना था, ये तो यूपीएससी तो होगा नहीं, तो एसएससी सीजीएल की तैयारी करना लग जाता है। ठीक है, रामलाल को देख, रामलाल कौन, तो पड़ोस का लड़का। अब एसएससी सीजीएल की तैयारी करता है, जब पता अच्छा ये भी पढ़ना है, इसमें ये चीज आएगा, इसमें ये चीज आएगा, ये कट ऑफ जाती है, फिर वो धीरे धीरे घिसकने नीचे चल जाता है, वो उसकी रफ्तार जो होती है वो नीचे की तरफ आती है, ढलान नीचे की तरफ आती है। फिर वो एसएससी सीएचएसएल भरता है, फिर रेलवेज भरता है, फिर बोलता है यार एमटीएस तो निकाल ही लेगा तेरा भाई। अंत में ये नौबत आ जाती है कि वो सोचता है यार सरकारी नौकरी मिल जाए तो ज्यादा बेटर होगा। और फिर सबसे अंत में जब थक हार जाता है, जब वो 2-3 साल उसके बीत जाते हैं, जब घर वालों को भी लगता है कि मैंने लाल जो मेरे लाल जो है उससे ना हो पाए, है ना रामाधीर ने जैसे गर्दन पकड़ के बोला तो लाल रहते तुझसे ना हो पाए, तो एक रामाधीर उसके पिताजी आते कि बेटा रहने तुझसे ना हो पाएगा, पड़ोस में एक व्यक्ति है जो फलान रुपये लेकर चिलान जॉब में एडमिशन करवा देता है। फिर बच्चा भटक जाता है इधर उधर, और बच्चा जब रखता है तो अब की बार वो क्या करता है, तो अब की बार वो गलत हथकंडे अपनाता है, वो गलत तरीके से जॉब सिलेक्शन लेने के लिए प्रेरित हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे वेंडर्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे जो बोलते हैं कि हम एसएससी की में सिलेक्शन करा देंगे, इसमें सिलेक्शन करा देंगे, पैसा दीजिए, वो कोई सिलेक्शन नहीं करवाएंगे, वो आपके पैसा लेकर ब्याज पे पैसा चला लेंगे। ठीक है, ये चीज होता है, ये फंडा है भाई। ठीक है,